खबर मिर्जापुर के पड़री से है। पड़री थाना क्षेत्र के कपसौर गांव में गुरुवार दोपहर में कुछ लोगों द्वारा आम, महुआ आदि के पेड़ काटा जा रहा था। किसी ने पेड़ काटने की सूचना वन विभाग तक पहुंचा दी। तत्काल वन रक्षक टीम मौके पर पहुंच गई और जिस पर पेड़ काट रहे लोग अधिकारियों को देखकर भाग निकले, लेकिन लकड़ी काटने का औजार पकड़ लिया और मौके पर आम, महुआ के कई हरे पेड़ कटे मिले, जिस पर वन विभाग ने सभी हरी लकड़ियों को जब्त कर लिया है। उप क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी रमेश कुमार मौर्य ने बताया कि जिन पेड़ों को काटा जा रहा था वे सभी पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ हैं। इन पेड़ों को बिना अनुमति के नहीं काटना चाहिए। 1927 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वृक्ष अभियान 1976 की धारा 4 व 10 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रमेश कुमार मौर्य उप क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रभारी बिल्डअप फॉल मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर आज जो लकड़ी कट रहा था इस बगीचे में, तो कैसे सूचना मिली और क्या हुआ इसके बारे में बताएं। इस संबंध में आपको अगर काम है कि डीएफओ महोदय के फ़ोन पर मैंने बात किया, डीएफओ महोदय द्वारा बताया गया और मैं तुरंत जो है कि बरकछा अधिकार का निरीक्षण कर रहा था। उसी समय मैं गाड़ी घुमा करके स्टाफ को बैठा करके मौके पहुँचा। मौके पहुँचने पर जो है कि सब जितने भी ठेकेदार थे इसके लकड़ी काटने वाले सब भाग गए मौके से और लकड़ी सब देखा गया मौके पर और इस पर विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और केस भी काटा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये सूचना कैसे मिली आपको, किस तरीके से? सूचना आपको हमारे पहले बताया ना कि देखो महोदय के द्वारा बताया गया कि वहाँ के जो है कि मेरे बगीचा कट रहा है और उसके पहले पता चला जैसे भी पता तो ये जो लकड़ी कटी हुई है, इस लकड़ी कटने काटने वाले जो ठेकेदार हैं उस पर बिल्कुल केस जारी की जाएगी और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी।